तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट रूट नॉट निमाटोड्स। सो रूट नॉट निमाटोड्स, जैसा कि नाम ही है, रूट्स के ऊपर नॉट्स प्रोड्यूस करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि रूट नॉट जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक निमाटोड्स है दुनिया के अंदर। ये तकरीबन हर क्रॉप, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड द सीरियल ग्रासेस पे अटैक करता है। एंड देन उसके बाद इसकी जो स्पीशीज हैं दैट आल्सो वेरी मच इन नंबर, जिनकी वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। जो डिजीज़ है दैट इज कॉल्ड रूट नॉट निमेटोड डिजीज, और पैथोजन जो है वो मेलाइडोकाइनीज का जेनर है, जिसके अंदर मोर देन 100 स्पीशीज जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं, जो नुकसानदेह हैं। और वो हमारे पास फ्रूट्स, ग्रासेस, वेजिटेबल्स और अदर जो वीड्स हैं उनके ऊपर नुकसान कर रही हैं। जैसा कि ये हम अगर आप देखें तो ये टिपिकल रूट नॉट निमाटोड की गॉल्स हैं, प्रोड्यूस ऑन द टोमेटो। सो इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं और ये गॉल्स प्रोड्यूस करते हैं। गॉल्स जो हैं दैट आर बिकॉज ऑफ द जॉइंट सेल्स, जो कि हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो रूट नॉट निमाटोड सिम्टम्स ऑन प्लांट्स आर ड्रामेटिक। कहीं पर ये क्या करते हैं के लार्ज गॉल्स प्रोड्यूस करेंगे, कहीं पे ये कम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये तमाम जो सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करता होता है कि कौन सी निमाटोड की स्पीशीज है जो अटैक कर रही है, और उसके बाद फिर वो किस चीज के ऊपर अटैक हो रहा है, उसके आगे इवन रेस जो है दैट आल्सो इज इम्पॉर्टेंट। सो जनरली इफ वी से कि लार्ज गॉल्स और नॉट्स कैन फॉर्म थ्रू आउट द रूट सिस्टम, ये है कि अगर जब सीवियर अटैक होगा तो तमाम जो रूट सिस्टम है उसके ऊपर गॉल्स और नॉट्स जो है वो गांठें बन जाएंगी। और वो गांठें क्यों बनेगी, क्योंकि जो अंदर सेल्स के अंदर जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगी, एंड दैट विल एक जॉइंट सेल्स बनेंगे, और वो जॉइंट सेल्स जो है वो बड़े होते जाएंगे और वो गांठों की सूरत में हमें नजर आना शुरू होंगे। सीवियर इन्फेक्शन जो है वो क्या करेगा, वो हमारे पास बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, और हमारे पास जो चीज आएगी भी तो उसमें कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस जो है वो कम होगी। अगर हम रूट गॉलिंग की बात करें तो तीन चीजों पे ये डिपेंड करती है कि रूट के ऊपर गॉल्स जो है वो कितने बनेंगे। वो एक है पॉपुलेशन, नंबर वन इज द नीमाटोड पॉपुलेशन डेंसिटी, कि नीमाटोड कितनी तादाद में मौजूद है। दूसरा कि मेलाइडोकाइनी की कौन सी स्पीशीज अटैक कर रही है या उसकी रेस, और तीसरा है कि होस्ट कौन सा है, और इवन कल्टीवर जो है, तो बेसिकली कि निमाटोड का नंबर क्या है, कौन सा निमाटोड है, क्रॉप कौन सी है। तो ये तीन चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें बताती हैं कि क्या कितना नुकसान हो सकता है। सो और एक कॉमन जो प्रिंसिपल है कि जैसे ही डेंसिटी ऑफ निमाटोड इंक्रीज होएगी, द नंबर ऑफ गॉल्स पर प्लांट्स आल्सो विल इंक्रीज। सो डैमेज जो है वो बढ़ेगा, गॉल्स का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली हम ऑलरेडी जानते हैं कि निमाटोड्स का अटैक पैचेस में होता है। तो पैचेस में क्यों होता है कि अगर एक जगह से स्टार्ट होते हैं, दे कैन नॉट मूव सो फास्ट, सो ये एक एक पैचेस में जहाँ जहाँ पे गिरे कोई या किसी भी तरह से पहुंचे, तो देन दे विल कंटिन्यू टू ग्रो इन दैट इन द सबर्ब्स ऑफ दैट स्पॉट। तो ये बहुत ज्यादा अगर जैसे कि अगर हम देखें तो सीवियर फॉकिंग और गॉलिंग जो है वो होती है कैरेट्स के अंदर, इस तरह के मतलब बहुत ज्यादा जो तमाम सिस्टम है उसको डैमेज कर रहे हैं। इसके बारे में हम मजीद आगे बात करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ निमाटोड्स जो है वो पेनिट्रेट करते हैं इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, आल्सो विल रिजल्ट इन लार्जर गॉल्स। जो अगर नंबर ज्यादा रूट्स के अंदर जा रहे हैं तो लार्जर निमाटोड्स का, तो गॉल्स जो है वो ज्यादा बड़ी प्रोड्यूस होंगी। जैसा कि मेलाइडोकाइनी हैप्ला जो है वो लेस देन हाफ द साइज ऑफ द मेलाइडोकाइनी इनकॉग्निटा। So the Meleidogyne incognita is very very famous nematode. That jo Meleidogyne incognita jis size ki jo galls produce karta hai, Meleidogyne hapla ki galls usse aadhe size ki hoti hai. So these even from matlab agar waqt ke sath sath aap experienced ho jaye to aap is base pe bhi identify kar sakenge ke kaun hai. Lekin as a scientist or as a science student आप सिर्फ सिम्टम्स की बेस पे उनको ये नहीं कह सकते कि ये यही चीज है, देन यू नीड टू गो फॉर द एनालिसिस। इसके बाद अगर हम क्रॉप रिस्पॉन्स की बात करें तो जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं वो इसको डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती हैं। कुछ पे सिम्टम्स बड़े अच्छे आते हैं, कुछ पे सिम्टम्स नहीं आते। अच्छे से मुराद के वो बड़े विजिबल होते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना आसान होता है। अच्छे से मुराद ये नहीं है कि वो वहां पे कोई क्रॉप को फायदा हो रहा है, क्रॉप का नुकसान हो रहा है, बट इट इज इजी टू डायग्नोज। लेकिन कुछ क्रॉप्स जो है वो रेजिस्ट करती हैं
उनके ऊपर सिम्टम्स नहीं आते बट फिर भी उनके ऊपर इन्फेक्शन हो चुका होता है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज. जैसा कि हमने पहले पीछे भी देखा तो कैरेट्स के ऊपर सीवियर फॉर्किंग हो गई है, वो उनकी आगे वो फॉर्क नुमा हो गई है या उनका रिड्यूस साइज हो गया है और शक्ल जो है वो उनकी फॉर्क टाइप हो गई है, और उसके ऊपर उनकी जड़ों के ऊपर सीवियर गॉलिंग भी हो गई है, गॉल्स प्रोड्यूस हुई है. इसके अलावा रूट नॉट निमाटोड गॉल्स ऑन लेटस आर डीड लाइक, और लेकिन जो लेटस जो हमारे पास प्लांट है तो उस लेटस या यू कैन से काइंड ऑफ अ गोभी, सो उसमें जो बीड्स जो गॉल्स हैं वो छोटी हैं, दे आर लाइक बीड्स. इसके अब हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स उसको डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं. तो कैरेट्स में फॉर्किंग हो रही है, लेटस में बीड लाइक गॉल्स हैं, ग्रासेस और अनियंस में वो गॉल्स हैं ही बहुत छोटी, मतलब समटाइम नजर ही नहीं आती. So there are different crops behaving differently depending upon the crop affected and the severity of infection. These symptoms can often result in significant economic losses to grower. तो जितनी ही compatibility ज्यादा होगी नुकसान उतना ज्यादा होने का खदशा है. So ये हमारे पास different crops का different result है. For example ये अगर हम देखें तो इसमें roots का damage कम है, इसमें अगर हम देखें तो ये हेल्दी और डिजीज का कंपैरिजन है. यू सी हियर द रूट सरफेस एरिया इज डैमेज, द रूट्स के ऊपर गॉल्स जो है वो आपको विजिबल है, हियर देयर आर वी हैव हेल्दी रूट सिस्टम एंड कोई गॉल नहीं है इसके ऊपर, कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आ रही. इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास अनियन की रूट्स हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, और इनमें भी आपको यहाँ पे रूट्स के ऊपर गॉल्स सीवियर गॉलिंग नजर आ रही है. मतलब जो बात हम इधर कह रहे हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, ये उनकी हमारे पास एग्जांपल है. इसी तरह कैरेट्स के ऊपर अंडरगो सीवियर फॉर्किंग, ये चीज जो है ये, और इसके अलावा मतलब क्रॉप का जो अपनी नॉर्मल शेप में जो कैरेट नहीं रहती, गाजरों की जो शक्लें हैं वो खराब हो जाती हैं, वो फॉर्क टाइप हो जाती हैं, तो वो उस चीज को उसकी वजह जो है वो निमेटोड्स होते हैं. Then we have root knot nematode galls on lattice are bead like. आप जैसे तस्बी के दानों की तरह आप galls को देख रहे हैं तो ये इस तरह की, although galls मैं पहले आपको कह रहा था कि वो छोटी हैं लेकिन but roots की comparison में अगर आप देखें तो these are very easy bulb. लेकिन onions में अगर आप देखें या grasses में तो यहाँ पे इतने ज़्यादा symptoms नहीं हैं. तो ये again different crops behaving differently. Most root knot nematodes had a very wide host range. जो nematode की जो host range है, that is very wide. Thus, growers who have root knot nematode problem may find it difficult to control and its damage through crop rotation. Although this is a viable option. अब sometime ये है कि एक को वो susceptible है, उसके बाद जो हम crop alteration या rotation के तौर पे लाना चाह रहे हैं वो उसको भी ससेप्टेबल होते हैं. तो बाज़ औक़ात क्रॉप रोटेशन के जरिए जो कि निमाटोड का रिकमेंडेड प्रोसीजर है वो भी इफेक्टिव नहीं होता हमारे पास मेलाइडोगाइनी की डिफरेंट स्पीशीज के अगेंस्ट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर के ये जो इसकी वाइड होस्ट रेंज है वो इसको मजीद हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बना रही है. कॉटन ग्रोअर्स की बात करें तो दे कैन ऑफन प्लांट पीनट्स जब वो उसको करना चाह रहे हैं क्रॉप रोटेशन, लेकिन पीनट जो है वहाँ पे हमारे पास लाइडोगैनी एरेनेरिया रेस वन जो है वो मौजूद है जो कि बहुत ही होस्ट है, एक्सलेंट होस्ट विच कैन बी फाउंड दैट कैन कंटेन्स मेलाइडोगैनी इनकॉग्निटा. मतलब हमने सजेस्ट किया कि कॉटन में अगर मेलाइडोगैनी इनकॉग्निटा का अटैक है तो आप कोई और पीनट लगाएं, मतलब आप कॉटन की बजाय पीनट लगा सकते हैं. लेकिन पीनट का मसला ये है कि मेलाइडोगाइनी की ही एक और स्पीशीज एरेनेरिया वो पीनट्स का बहुत अच्छा होस्ट है. तो मतलब अगर कॉटन की जगह पीनट्स लगाएं और वहां पे अगर एरेनेरिया रेस वन मौजूद है तो पीनट का भी नुकसान होगा. सो इट इज टाइम टेकिंग एंड इट इज माइंड टेकिंग गेम. आपको बहुत सी चीजें जहन में रखे और फिर ये फैसले करने होंगे. ग्रोअर्स हु हैव प्रॉब्लम विद द जावानिका मेलाइडोगाइनी जावानिका कैन एम्प्लॉय स्वीट पेपर, वो स्वीट पेपर यूज कर सकते हैं बट नॉट इफ दे हैव मेलाइडोगाइनी एंड किग्निटा. अब अगेन
कि सिर्फ जावानिका और इनकॉग्निटा का प्रॉब्लम ये है कि जावानिका है तो वो स्वीट पेपर को रोटेशन के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा है सो दे विल नॉट बी एबल टू यूज स्वीट पेपर एज अ रोटेशन क्रॉप। सो यही दो एग्जांपल हमारे पास इस बात को बताने के लिए ज़रूरी है कि मिलाइडोगानी की कौन सी स्पीशीज का अटैक हो रहा है, किस क्रॉप पे हो रहा है और वहाँ पे निमाटोड कितनी तादाद में मौजूद है। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। In addition to differences in pathogenicity on a specific crop, there can be an even greater degree of specialization. Sometimes इनके दरमियान बड़ी interesting है कि जैसा कि मिलाइडोगाइनी हेपला जो है वो ग्रासेस के ऊपर रिप्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन मिलाइडोगाइनी ग्रामिनस सिर्फ ग्रासेस के ऊपर प्रोड्यूस होता है। सो स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। इन दिस केस के मिलाइडोगाइनी ग्रामिनस कैन ओनली रिप्रोड्यूस ऑन ग्रासेस, तो ये चीज़ जो है ये उसको स्पेसिफाई कर रही है, मतलब एक साइड पे उसकी होस्ट रेंज इतनी ज़्यादा है कि हमें रोटेशन में प्रॉब्लम आ रही है और दूसरी साइड पे हमारे पास स्पेशलाइजेशन इतनी है कि मिलाइडोगाइनी ग्रामिनस कैन ओनली रिप्रोड्यूस ऑन ग्रासेस। सो प्लीज कंसीडर इट कि ये एक बहुत ही बड़ा जनरा है जिसके अंदर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ निमाटोड मौजूद हैं, जिनको हम अगर उनको कंट्रोल करना चाहें तो उनकी इस इस डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। दस ग्रोअर्स हु हैव एक्सपीरियंस विद द हेपला कैन रोटेट कॉर्न एंड वीट इनटू ट्रेडिशनल वेजिटेबल प्रोडक्शन प्रोवाइडेड दे हैव द एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। लेकिन ये है कि रोटेशन के लिए भी अब अगर एक ज़िम्मेदार आलू लगा रहा है और हम उसको कहें कि वो उसकी बजाय गन्ना लगा दे, सो द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी बदल जाएंगी। तो ये चीज़ें भी कंसीडर करता है ज़िम्मेदार के पास अगर वैसी मशीन ही नहीं है, प्लांटर नहीं है या इस तरह की, तो इट विल बी टेक्निकल इशूज। सो ये चीज़ें भी हमें कंसीडर करना होगी। दिस इज एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट से मुराद ये है। अगर हम अबव ग्राउंड सिम्टम्स की बात करें, मोस्टली जैसा कि हमने पहले बात की कि जो निमाटोड्स होते हैं उनका डैमेज जो है वो रूट्स के ऊपर होता है एंड मोस्टली इट इज विजिबल एज द रूट नॉट गॉल्स, लेकिन उनके कुछ सिम्टम्स ऊपर भी प्रोड्यूस होते हैं। अगर जो भी हमारे पास क्रॉप्स जो जमीन के अंदर से नुकसान कर रही हैं उनके ऊपर सबसे द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स लुक्स लाइक विल्ट, कि उनकी जड़ों में कोई खराबी है, पानी की कमी हुई और पौधा सूख रहा है। So same happen here with the mylaidogyny that severely affected plants will often wilt readily. तो वहाँ पे wilting हो जाएगी। Because gall roots की वजह से क्या हुआ है कि limited ability to absorb and transport water and nutrients, पानी की कमी हो रही है, nutrients कमी हो रही है to the rest of the plant and the severely infected plants जो है वो wilt हो जाएगा। हालांकि ज़मीन में पानी मौजूद होगा इसके बावजूद क्योंकि उसका रूट सिस्टम डैमेज हो गया। इसी तरह हमारे पास न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी शो करेगा क्योंकि के अबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इज अगेन अफेक्टेड बिकॉज द रूट्स आर अफेक्टेड। द रूट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, लाइक अगर हम वहाँ पे यूरिया अप्लाई कर रहे हैं तो यूरिया को एब्जॉर्ब करना है रूट्स ने, और रूट्स में अगर प्रॉब्लम है दे विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब यूरिया, और जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो ऊपर कमी हो जाएगी, तो हमारे पास सिम्टम्स जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के होंगे। इसी तरह अगर वो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब फॉस्फोरस और NPK और एनी अदर, सो द डिजीज सिम्टम्स द डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल बी विजिबल। तो एक चीज जो बात सोचने की है कि अगर आपके पास बिल्डिंग है तो इसका मतलब है कि नीचे जड़ों में कोई मसला हो सकता है। इसी तरह अगर आपके पास न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये वाकई अगर आपने यूरिया वगैरह अप्लाई किया है तो यहाँ पे फार्मर को ये सोचना होगा कि मसला न्यूट्रिएंट्स का नहीं है, मसला न्यूट्रिएंट्स के अपटेक का। सो जब हम रियल लाइफ में बात करें तो बहुत सी चीज़ें एट अ टाइम हो रही होती हैं, सो वी नीड टू कंसीडर ऑल द रीजंस ऑल टुगेदर। अगर हम फर्टिलाइजेशन वहाँ पे अप्लाई कर भी देंगे तो वो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्लोरोसिस वहाँ पे मौजूद रहेगी।
स्टंटिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन होस्ट क्रॉप्स, जो अल्टीमेटली कि जब आपका रूट सिस्टम डैमेज हो रहा है, जब आपकी अब्सॉर्प्शन क्वालिटी डैमेज हो रही है, जब आपकी न्यूट्रिएंट अपटेक डैमेज हो रही है, जब आपकी वाटर अपटेक डैमेज हो रही है, तो पौधा छोटा रह जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टंटिंग। इसी तरह अगर हम हाईली सेंसिटिव क्रॉप जैसे कि लेटस, कैरेट्स, जो हमारे पास, दीज आर वेरी सेंसिटिव टू द नेमेटोड्स, अगर इनकी बात करें तो दो और तकरीबन एक एग्स पर सीसी ऑफ द सॉयल, एक सीसी सॉयल के अंदर दो या एक से ज्यादा एग्स मौजूद हों लेटस और कैरेट्स का रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे लॉस ज्यादा हो सकता है। सो बेसिकली आपने अवॉइड करना है कि वहां पे नेमेटोड ग्रो ही ना हो। हाई डेंसिटीज पे अगर जल्दी चला जाएगा निमाटोड, तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो दैट आर गोइंग टू बी किल्ड। स्पेशली अगर ये हाई डेंसिटी जो है वो जितनी जल्दी सीजन में आएगी, ग्रोइंग सीजन की स्टार्ट में आ जाए, तो देन इट इज गोइंग टू बी अ मोर प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि हमारे पास रूट का जो मैस है वो अभी इतना बना नहीं होता, उसके ऊपर निमाटोड अटैक करेगा और निमाटोड जब रूट्स को मुकम्मल डैमेज करेगा, द प्लांट्स इज गोइंग टू बी खेल। अबव ग्राउंड सिम्टम्स की दूसरी तरफ जाएं तो हमारे पास क्लस्टर ऑफ प्लांट्स जो है उनके ऊपर ये सिम्टम्स आते हैं, बिकॉज निमाटोड जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक पैचिस में होते हैं, निमाटोड इतनी तेजी से मूव नहीं करता, इन्फेस्टेशन जो है वो ग्रेजुअली रेडिएट करती है, एक इनिशियल पॉइंट से बाहर की तरफ फैलती जाती है, जैसा कि हमने पिछले फोटो में, पहली तस्वीर में देखा। Cultivation and other practices that physically move soil and plants will rapidly increase, rapidly spread root nematodes. मतलब अगर ऐसी चीजें जहां पे जिसमें हम क्रॉप को आगे पीछे कर रहे हैं, फिजिकली मूव कर रहे हैं प्लांट्स को या सॉइल को जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो फिर रूट नॉट निमाटोड जो है वो बहुत तेजी से फैलेगा। पैथोजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक जीनस मलाइडोगाइनी है, सबसे पहले रूट और निमाटोड को 1855 में बर्कले ने इसको रिपोर्ट किया, जिसने इसको देखा कि ये कुकेम्बर के ऊपर नुकसान कर रही थी, खीरों के ऊपर, जबकि तकरीबन 100 साल तक 1855 बाय बर्कले और 1949 में चिटवुड ने कहा कि चार स्पीशीज दरियाफ्त की और वन सब स्पीशीज को विद इन द स्पीशीज ऑफ मलाइडोगाइनी, the root knot nematodes were all considered the same species Heterodera radicola. 1949 से पहले तक हम उसको Heterodera radicola एक ही स्पीशीज समझ रहे थे, जिसकी आज हम 100 से ज्यादा स्पीशीज बता चुके हैं। पहली दफा बर्कले ने 1855 में कुकम्बर पे इसका डैमेज शो किया, लेकिन हम उसको समझते क्या थे? Heterodera radicola। हमारे पास 1887 में एक पेपर प्रोड्यूस हुआ, जिसको दोबारा 1892 में रीप्रिंट किया गया, गोल्डी डिस्क्राइब मेलाइडोगाइनी एक्सिगुआ द टाइप स्पीशीज ऑफ द जीनस, फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन द चिटविड ऑब्टेन द नेम वी करंटली यूज फॉर द नेमाटोड। तो चिटवुड जो 1949 में, तो इस बंदे ने पेपर में मेलाइडोगाइनी एक्सिगुआ इस टाइप स्पीशीज ऑफ द जीनस जो है उसको डिस्क्राइब किया, और उस इस मेलाइडोगाइनी की वजह से हमारे पास जो आज हम उस मेलाइडोगाइनी को मेलाइडोगाइनी जेनरा कह रहे हैं, और वो बेसिकली चिटवुड के काम से था। तो चिटवुड ने इस बंदे का काम देख के उसको नाम दिया मेलाइडोगाइनी, और जो कि आज तक चला आ रहा है। ये ग्रीक ओरिजिन का मतलब है, जिसका एप्पल शेप फीमेल के, एप्पल की शक्ल की फीमेल, तकरीबन 100 स्पीशीज डिस्क्राइब कर की जा चुकी हैं, और मोस्टली वाइड स्प्रेड एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो है मेलाइडोगाइनी इनकग्निटा, मेलाइडोगाइनी जैवानिका, एरिनेरिया, हैप्ला, चिटवुडी, क्रेमिनिकोला, तो ये तमाम जो है ये दुनिया में बहुत ज्यादा फैली हुई है और इकोनॉमिकली बहुत डेंजरस हो सकती है। रूट नॉट निमाटोड्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ट्रॉपिकल है, लेकिन कुछ जो है जैसा कि हैप्ला और चिटवुड जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट्स को भी अडेप्ट कर चुकी हैं। बाकी इन प्लांट पैरासिटिक निमाटोड्स की तरह जो हमारे पास रूट नॉट निमाटोड है, उसके पास भी एक स्टाइलेट है जो कि इस्तेमाल की जाती है सेक्रीशंस के लिए एंड इंजेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स के। सेक्रीशंस जो है वो निमाटोड से प्लांट की तरफ जाएंगे, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो दैट विल मूव फ्रॉम प्लांट्स टू द निमाटोड।
निमाटोड्स का कोई इंटरनल स्केलेटल फ्रेमवर्क नहीं होता और जो इनकी स्किन और क्यूटिकल है एक्ट एज अगेंस्ट इंटरनल ट्रिगर टू मेंटेन बॉडी शेप एंड एड लोकोमोशन। तो जो स्किन और क्यूटिकल है वो बेसिकली उसकी शेप को मेंटेन करती है और वही उसको एक जगह से दूसरी जगह हेल्प आउट करने में मदद देती है। ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये आप उसकी देख रहे हैं सर, स्टाइलेट की, दिस हैव नोब्स, दिस स्टाइलेट। अगर हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो दिस इज द नोब्स एंड दिस इज द स्टाइलेट, हियर इज अ पाथ एंड देयर इज अ नीडल दैट विल बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिएंट्स। बहुत से प्लांट पैरासिटिक निमाटोड्स की तरह जो रीट रूट नॉट की निमाटोड्स हैं वो ग्लूबोस एंड सेडेंटरी आर मैच्योरिटी, जो यानी कि अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता लेकिन रूट नॉट निमाटोड जो है वो उनकी जो फीमेल्स हैं वो ग्लूबोस होती हैं और सेडेंटरी होती हैं। अमूमी तौर पे अदर प्लांट पैरासिटिक में नहीं ऐसा, मुमिदे की फ्री मूविंग ये, लेकिन ये क्या है कि ये एक जगह पे जाके बैठेगी और वहां पे बैठ ही जाएगी, तो इसी को हम सेडेंटरी कहते हैं। इनकी लेंथ 400 से 1000 माइक्रोमीटर तक होती है। अगर हम सबसे पहले ये क्या करते हैं कि ये एक जगह पे जाएंगे, वहां पे एक फीडिंग साइट बनाएंगे, एक खाने की जगह ढूंढेंगी, वहां पे ये अटैच हो जाएंगे और दे परमानेंटली रिमेन, द फीमेल विल परमानेंटली रिमेन एट दैट लोकेशन उस प्लांट की रूट के ऊपर। कुछ अरसे के बाद द रूट फीडिंग साइट इज एक्चुअली, जो फीडिंग साइट है वहां पे क्या है उसको हम कहते हैं जॉइंट सेल्स। उसमें क्या होता है कि जो सेल के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं उनके वो आपस में इकट्ठे होते जाते हैं और उनके कंटेंट्स जो हैं वो उनकी जो सेल वॉल्स हैं उनको डिग्रेड कर दिया जाता है और वो डिफरेंट न्यूक्लियाई मटेरियल जो है वो इकट्ठा हो जाता है और वो बेसिकली सर्व करता है एक सिंक के तौर पर, न्यूट्रिएंट सिंक के तौर पर, जहाँ से निमाटोड अपनी खुराक लेता है। जब निमाटोड इनिशियली पेनिट्रेट करता है तो इट इंजेक्ट सेक्रेटरी प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को इंजेक्ट करता है जो पैरास्टाइज सेल के अंदर चेंजिंग्स करते हैं। पैरास्टाइज सेल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई हो जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, और सेल वॉल्स सेल नए सेल वॉल्स नहीं प्रोड्यूस होती हैं और वहाँ पे न्यूक्लियस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं अनकपल्ड फ्रॉम सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन से अनकपल्ड अलग है। सेल्स नेवर एक्चुअली डिवाइड इनटू टू सेल्स, सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे, दे जस्ट गॉट बिगर एंड कंटेन मोर न्यूक्लियर मटेरियल, कि वो सेल बड़ा होता जा रहा है और उसकी में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनके अंदर सेल वॉल्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है और वो जो बड़ा सेल्स जो है उनको हम जॉइंट सेल्स कहते हैं। As the female nematode enlarge, its posterior region may become break the epidermis, जो पीछे वाला हिस्सा वो epidermis को break करेगा and the eggs are deposited in a gelatinous egg mass, और बाकी nematodes की तरह इसमें भी जो eggs हैं वो एक egg mass के अंदर, एक gelatinous egg mass के अंदर deposit कर दिए जाएंगे। Mature root knot females की अगर बात करें तो they are prayerly white in color, can be observed without magnification, और हम उनको बगैर मैग्निफिकेशन के देख सकते हैं। सेकंड स्टेज जुवेनाइल J2 एंड मेल्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। मैच्योर फीमेल जो है वो आम आंख से नजर आ सकती है लेकिन जो J2 है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है, और मेल्स जो चाहे मैच्योर भी हों उनको हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है उनको देखने के लिए। उनकी जो फीमेल्स की निमाटोड रूट नॉट निमाटोड की उनकी जो बॉडी शेप है वो ग्लूबोस है और उनकी ऊपर छोटी नेक है, जैसे हमने प्रैक्टिकल की क्लास में देखा था तो नीचे पियर शेप्ड है और ऊपर एक छोटी सी नेक होती है। सो कंटेनिंग देयर स्टाइलेट, जहाँ पे उनका स्टाइलेट होता है, मेटाकॉर्पस होता है एंड एसोफेगियल ग्लैंड सेल्स जो मौजूद होते हैं। जय आगे हम लाइफ साइकिल में मजीद हम इसको पढ़ते हैं। ये जॉइंट सेल है जिनके अंदर आप देख रहे हैं कि सेल डिवाइड नहीं हुआ, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस एक में मौजूद है, यही सेल बड़े होते जाते हैं और दे सर्व एज एन इन्फेक्शन साइट, और उसके बाद यही सेल जो है ये एपिडर्मल रूट्स के अंदर एपिडर्मल सेल्स को डैमेज करते हैं तो वहां पे नुकसान होता है। दीज आर मल्टीपल, दिस इज यू कैन से डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, के शुरू में कैसे होता है एग्स के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी द एडल्ट। ये हमारे पास अटैक की स्पीशी फोटो है, ये हमारे पास फीमेल है लेइंग एग, दिस फीमेल इज हेयर, इस जगह पे इसका मुंह है और ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी
ईयर शेप्ड हो गई है, ये जब रिलीज दिस वन इज गोइंग टू नीचे वाली साइड से ये फट जाएगी और यहाँ पे एक्स रिलीज कर दी जाएगी। जे टू ऑफ द रूट नोड निमाटोड्स आर मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड इन सॉइल्स एंड वर्मीफॉर्म। जे टू जो है वो वर्म की तरह है। दे आर अप्रोक्सीमेट लेंथ 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 15 माइक्रोमीटर इन वेट। दिस इज द ओनली इन्फेक्टिव स्टेज। So J2 is the only infective stage of nematode. So similar in the case with the Meleidogyny. Male की अगर बात करें तो वो भी J2 की तरह वर्मीफॉर्म है, लेकिन उनके जो लेंथ है that is more, और उनके जो स्ट्रक्चर है वो बन चुके हैं, बेहतर है। They have distinct limbs, strongly developed stylet. Stylet strong है। They often have visible spicules. तो वहाँ पे स्पाइक्यूल्स हैं जो कि मेटिंग में हेल्प करते हैं, एंड ब्लंट राउंड टेल और राउंड टेल मौजूद है। इनके सेक्स ऑर्गन्स बन चुके हैं। सो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं J2 को मेल से। मैनी मेलाइडोगाइनस स्पीशीज आर पार्थिनोजेनिक और फैकल्टेटिवली पार्थिनोजेनिक के मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो इट कैन हैपन, और मतलब मेल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेल्स आर नॉट नेसेसरी के कम्प्लीट लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए। And viable eggs can be produced by female nematodes in the absence of fertilization. So fertilization के बगैर भी viable eggs produce किए जा सकते हैं, जिनसे आगे nematode generation चलती रह सकती है। Males के इसी वजह से मेल जो हैं वो rare होते हैं, लेकिन वो उस वक्त चाहिए होते हैं जब environmental situations में they got tough, जब कोई stress है, then there is more nematode male population. ये हमारे पास J2 है, इसमें आप ये देखें इसकी length छोटी है, इसकी जो structures हैं they are not well formed. Male की अगर बात करें तो length इसकी ज़्यादा हो गई है, structures जो हैं वो पूरे बन चुके हैं, इसके reproductive structure भी बन चुके हैं, spicules end पे मौजूद है, तो ये तमाम चीज़ें उसको J2 से differentiate करती हैं। निमाटोड को आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्टली हम प्रीनियल पैटर्न एनालिसिस को स्टडी करते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल की नोटबुक में भी देखा और पढ़ा भी है। सो इसमें क्या होता है कि वल्वा और एनस के दौरान एक पेरिनियम जो एक जगह है फीमेल निमाटोड की, वो एक पैटर्न शो करती है ऑफ रिजिस और एंडुलेशंस का, जो कि इतनी एक दूसरे से अलग है कि हर जो स्पीशीज है कि वहाँ स्पीशीज के अंदर वो कंसिस्टेंट है, लेकिन इंडिविजुअल्स जो हैं वो मतलब डिफरेंट स्पीशीज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एनुलेशंस और यू कैन से द पेरिनियल पैटर्न। जो एनालिसिस ऑफ इसके अलावा हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो पेरिनियल पैटर्न हो गया, इसके अलावा हम क्या करें कि हम करें आइसो एंजाइम इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोफाइलिंग करें, जैसा कि हम एस्टीरेसिस और मिलेट डिहाइड्रोजिनेस को यूज करके, तो इससे हमें मेलाइडोगाइनी स्पीशीज की जो है हमें पता चल जाएगा। Then DNA analysis जो है that can be used to identify different species of root knot nematode. So perennial pattern is an old way. Then this is esterase is also an old way, but DNA sampling is a new way and it is very accurate. This is a perennial pattern. जिस तरह हमारे thumb पे एक fingerprint है, तो ये pattern जो है वो हर species का different है, और हम इसको key के जरिए check कर सकते हैं कि ये कौन सी nematode की species है। अगर हम डिजीज साइकिल की बात करें तो ये हमारे पास एक एग है, तो सबसे पहले कि जो एग के अंदर ही है J1 हो जानी है, तो J2 जो है दैट विल कम आउट ऑफ द एग्स। जो J2 है वो अट्रैक्टेड टू ग्रोइंग रूट्स, ये रूट्स की तरफ जाएंगे और वहां पे जाके ये नुकसान करेंगे, ये रूट्स के अंदर एंटर होंगे और माइग्रेट टू द एरिया ऑफ सेल इलोंगेशन, जहाँ सेल इलोंगेट हो रहे हैं वहां पे ये पहुंच जाएंगे। देन ये जो है वहां पे पहुंच के क्या करेंगे, J2 initiates the injection of its secretions जो के जॉइंट सेल्स प्रोड्यूस करें, वही जॉइंट सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस का नंबर ज्यादा है, और उसके बाद जो निमाटोड डेवलप होगा J3 और J4 में और एडल्ट स्टेज में, और उस वक्त रूट्स के ऊपर क्या प्रोड्यूस हो गई, गॉल्स, रूट्स के ऊपर गांठे बनना शुरू हो गई, इसके अंदर जो है वो जॉइंट सेल मौजूद है। गालिंग अकर एज ए रिस्पॉन्स टू द निमाटोड पेरिस्टिज्म। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीज बाद में इसके अंदर एक्स रिप्रोड्यूस होंगे। एडल्ट फीमेल्स जो है दे तकरीबन 500 से लेके 1000 अंडे तक देती हैं, मेल जो है वो लाजिम नहीं, वो अननेसेसरी है इन मोस्ट स्पीशीज बट आर समटाइम्स एनकाउंटर। एक्स आर एक्सुडेड इनटू एन एग मैस जो बाहर एक प्रोड्यूस किया जाएगा, जो एग्स हैं वो कट्ठे एक मैट्रिक्स या एक जेल के अंदर जो है वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये जो एग मैसेज हैं जब उनको एक
टेम्परेचर या एक अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा दे विल री जर्मिनेट. और इन ये जो बेसिकली एग्स हैं दे एक्चुअली गॉल रूट्स के ऊपर मौजूद होंगे और वहाँ से ये नेक्स्ट एग्स जो है वो अगेन J1 और J2 इन्फेक्टिव, J3 4 जो है वो जॉइंट सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, गॉलिंग करेंगे और फीमेल जो है वो एग ले करेगी और प्रोसेस चलता रहेगा. Then we are talking about the pathogen biology. So coming, the rheumatoids begins their life as eggs. जो हम इसी को हम बात करें, फिर उसे J1 प्रोड्यूस होती है. J1 जो है वो entirely translucent egg case के अंदर होती है और वहाँ से J2 प्रोड्यूस होता है. जो J2 है वो only वही चीज़ जो है वो infection को start कर सकती है. That is the only infective stage. उसके बाद जो J2 है वो अटैक करेगा, वो मोस्टली अटैक करता है रूट टूब्स के टिप्स के ऊपर. और जैसा कि हम आगे एग्जांपल में देखते हैं, दे मूव द एरिया टू द एरिया ऑफ सेल इलोंगेशन. जहाँ पे सेल इलोंगेशन हो रही है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके ये एक फीडिंग साइट बना देता है बाय इंजेक्टिंग ग्लैंड सेक्रीशंस. और वहाँ पे जाके जो सेक्रीशन है दे क्या करती हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स करती हैं इन द पैरासिटाइज सेल्स और उन वहाँ पे जॉइंट सेल प्रोड्यूस हो. सो एग से J1 J2 इन्फेक्टिव है. J2 मूव करेगा हमारे पास सेल इलोंगेशन के जरिए फीडिंग साइट, सेल इलोंगेशन वाली जगह पे, वहाँ पे फीडिंग साइट एक इनिशिएट हो जाएगी और वहाँ पे हमारे पास जॉइंट सेल्स प्रोड्यूस होंगे. तो दिस इज ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हेयर के ये हमारे पास डिफरेंट लाइफ स्टेजेस अगर आप देखें रूट नॉट नेमेटोड्स की, तो ये मोल्ट डिफरेंट मोल्टिंग से एग से लेके हमारे पास फोर्थ और मोल्ट मेल तक आ रहे हैं. जो मिटाइल J2 है जैसा कि ये अगर आप देखें दे आर मोस्ट प्रॉब्लमेटिक और ये शुरू में कहाँ पे रूट टिप्स में होते हैं और वो अटैक करते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस में बिहाइंड द रूट कैप, रूट कैप से थोड़ा सा पीछे जो है वो यहाँ पे नुकसान हमारे पास कर रहे हैं. J2 डू नॉट प्रोसेस सिस रिपोर्ट. J2 में हमारे पास मेल और फीमेल में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. रूट नॉट नेमेटोड्स बेसिकली 4 जुविनाइल स्टेजेस को क्रॉस करती है, ईच प्रोग्रेसिंग थ्रू अ मोल्टिंग और हर किसी के बाकियों की तरह यहाँ पे भी 4 मोल्ट हो रहे होते हैं. जुविनाइल रूट नॉट नेमेटोड्स हैव लिटिल रिजेम्बलेंस टू एडल्ट एंड मेल्स. इसी वजह क्योंकि जो मोल्टिंग है वो अमूमी तौर पर जहाँ जहाँ पे होती है तो वो जो मेल्स और फीमेल्स हैं या जब मेचोरिटी के बाद जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है वो जुविनाइल स्टेजेस से मिलता जुलता नहीं होता. J4 के बाद जुविनाइल टू ग्लूबोज एडल्ट फीमेल और टू वर्मीफॉर्म एडल्ट मेल्स. जो J4 के बाद जो फीमेल है वो ग्लूबोज शेप की होती है और मेल वर्म लाइक ही होता है, लेकिन उसमें तमाम चीजें प्रोड्यूस होती हो चुकी होती हैं. द मर्ज दे एमर्ज एज एडल्ट फ्रॉम द J4 क्यूटिकल. अ सिंगल फीमेल नेमेटोड कैन प्रोड्यूस 500 to 1000, जैसे कि हमने पहले कहा कि 500 से 1000 एग्स दे सकती है. ये लास्ट मोल है, इसके बाद जब मेल प्रोड्यूस होगा इसी तरह ये हमारे पास एग्स है ये प्रोड्यूस किए गए बाय फीमेल एंड नो फॉर रूट नॉट नेमेटोड. द लेंथ ऑफ द रूट नॉट नेमेटोड लाइफ साइकिल वेरीज अमंग. अच्छा, लाइफ साइकिल भी डिपेंड करती है कि कुछ जो स्पीशीज हैं वो सिर्फ 2 वीक्स के अंदर उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, कुछ जो है वो काफी अरसा ले लेती हैं. सो नेमेटोड जो कूलर रीजन में है उनका लॉन्गर लाइफ साइकिल होता है. और एक्स जो है वो रिमेन इन टिश्यूज मे बी रिलीज इन द सॉयल मैट्रिक्स और तकरीबन अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट हो तो 1 साल तक वो सर्वाइव कर सकते हैं. एक्स जो हैचिंग है वो रैंडम होती है. हैचिंग को लाजिम एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपोजर टू द रूट एक्सुडेट्स. अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तकरीबन बाकी चीज़ों की हम बात कर चुके हैं, तो कल्चरल केमिकल फिजिकल और IPM ये तमाम चीज़ें हम यूज कर सकते हैं. Cultural control methods to manage is the most environmentally sustainable और potentially किसी भी चीज़ के लिए cultural methods अगर कोई हम कर रहे हैं तो sustainable और environmental user environmental friendly method cultural method ही होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक careful planning की ज़रूरत है. जैसा कि जो Mylodogyne haplaea है can be potentially planted to a non-host crop जैसे कि corn, लेकिन short term के लिए benefit के लिए growers को सोचना पड़ेगा. So the first thing, the grower can identify an alternative non-host with high economic return. The crop rotation you have, which is a cultural control that can be well very helpful. So Mylodogyne, Incognita and cotton, as jaise ki humne pehle kaha, can be managed with the crop rotation. Lekin jo dusri thi wo hamare paas crop rotation ke zariye hum manage nahi kar sakte. इसी तरह हम कवर क्रॉप्स को यूज कर सकते हैं. कवर क्रॉप्स जो है वो क्या करेंगी,
वो एग्री नॉर्मल एग्रीकल्चर ग्रोइंग सीजन के बाहर हम ग्रो करेंगे और वो एंटागनिस्ट टू द निमेटोड्स होंगी। कवर क्रॉप जैसा कि सुडान ग्रास, मैरीगोल्ड्स, वो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो निमेटोड्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। कवर क्रॉप्स जो हैं उनका बेनिफिट ये है कि वो टॉप सॉइल और हमारी सॉइल क्वालिटी को अच्छा करती हैं। और क्रॉप रोटेशन की अगर हम बात करें, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो है वो हमें शायद चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि आलू से अगर हम गन्ने की तरफ जाएं तो हमारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है, मशीनरी रिक्वायरमेंट है, वो डिफरेंट है। अदर टेक्निक्स इंक्लूडिंग फ्लडिंग एंड सोलराइजेशन ऑफ फील्ड हैव कंट्रोल्ड निमेटोड। अगर उनकी तादाद कम हो तो ये फ्लडिंग और सोलराइजेशन हेल्प कर सकती है। बट इन वार्म क्लाइमेट्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड कैन बी रिमूव फ्रॉम कल्टिवेशन फॉर लॉन्गर पीरियड्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। लेकिन एक जब एक दिन बहुत बड़े हों और वहाँ पे एक लंबे अरसे मतलब काफ़ी दिनों तक आप उसके ऊपर सोलराइजेशन करें, देन इट कैन बी हेल्पफुल। कल्चरल कंट्रोल की मेथड की बात करें, दे रिक्वायर एक्सटेंसिव कंसिडरेशन, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। तो ये तमाम चीज़ें चाहिए कल्चरल कंट्रोल में। केमिकल की बात करें तो केमिकल भी हमारे पास है, लेकिन क्योंकि रूट नोड निमेटोड सॉयल बॉर्न है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन जो हम यूज कर सकते हैं, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपीन, मिथाइल ब्रोमाइड एंड डेजोमेट आर कॉमनली अप्लाइड एज प्री प्लांट ट्रीटमेंट टू रिड्यूस। लेकिन थॉरली पेनिट्रेशन लार्ज सॉयल वॉल्यूम में भी होगी तो ही हमारे पास ये जो केमिकल्स हैं वो अच्छा रिजल्ट देंगी। कुछ सम फ्यूमिगेंट्स वोलेटलाइज वेरी क्विकली, जो सो ट्रीटेड सॉइल मस्ट हैव अ कवर और ट्रैप टू मेंटेन द फ्यूमिगेशन। मतलब फ्यूमिगेशन में यही है कि वो बड़ी तेजी से रिमूव हो सकती है, तो हम उसको कवर करें ताकि वो फ्यूमिगेशन वहीं पे रहे और सॉइल में अगर मिलाइडोगानी मौजूद है तो वो उसको किल करे। द फेजिंग आउट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड एफिशिएंट फ्यूमिगेंट हैज इंटेंसिफाइड द सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बाय फार्मर्स। In addition to the broad spectrum fumigants, nervous system toxins including oxazamil and fenamiphos have been shown to be extremely effective for controlling root knot nematodes. Jaisa ki hum baat kare, both nematodes or humans, they have a numerous nervous system. Chemical treatments jo hain wo nematode ki nerves ke upar target karti hain and are a potential danger to human nerves. So जैसा कि कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक है एंड हमें उनको अवॉइड करना होगा। दीज केमिकल्स आर द मोस्ट इकोनॉमिकल फिजिबली कंट्रोल मेथड फॉर रूट नॉट निमेटोड बिकॉज दे आर नॉट टॉक्सिक टू प्लांट, दे आर ओनली केमिकल, दे आर द ओनली केमिकल ऑप्शंस फॉर एस्टेब्लिश्ड प्लांट्स। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे ऑक्सामिल एंड फिनोमायोफॉस, तो ये हो तो सकती हैं लेकिन एक हद तक। रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट में, सो इफेक्टिवली कंट्रोल बाय द रेजिस्टेंस जीन। जैसा कि MI जीन जो कि लाइकोपर्सिकॉन पर VNM से हमने लिया है, इज अ वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द कॉमन टोमेटो और ये हमें जेनेटिक रेजिस्टेंस दे रहा है रूट नॉट निमेटोड्स के अगेंस्ट। इसी तरह डिफरेंट क्रॉप्स में हमारे पास डिफरेंट हमारे जीन्स मौजूद हैं। जब रेजिस्टेंट जीन को हम ट्रांसफर करते हैं ससेप्टेबल में, तो जेनेटिकली अल्टर प्लांट जो है वो रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन हो जाता है बाय सर्टेन स्पीशीज। सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे कि अगर हम मतलब आजकल हम जैसे कि क्रिस्पर कैस का दौर है, तो हम अगर जीन्स को आइडेंटिफाई करें तो और उसको ट्रांसफर करें, देन इट कैन बी अ गुड ऑप्शन। Population of root knot nematodes that can circumvent root knot resistance have been identified in both the greenhouse and agricultural fields, suggesting the potential for the eventual failure of root knot resistance. So, ये हम कर चुके हैं। Then plant resistance की बात करें, हमारे पास other genes मौजूद हैं, ME and N genes from pepper, so they also behave the same. In many cases, these genes become ineffective at higher temperatures. These genes, there are a number of genes, they have not yet been named, and new sources of genetic resistance to root knot are frequently being identified. अब हमारे पास genes, number of genes बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, लेकिन हमें उनको transplant करना है और उनको resistance देनी है। अब ये जो है वो आगे resistance के बाद sometime कुछ countries जो हैं वहाँ पे genetic modification जो है उनके ऊपर ban है, कुछ में नहीं है। सो ये चीज़ें हमें वक्त के साथ साथ चलती रहें। इसके अलावा जो चीज काम हम कर सकते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। कंट्रोल मेजर्स अप्लाइंग ऑर्गेनिजम्स एंटागनिस्ट टू रूट नॉट निमेटोड्स हैव बीन अटेम्प्टेड। जैसा कि फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं वो
बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पे यूज हो सकते हैं। फंजाई जो है वो माइसीलिया ट्रैप या स्टिकी स्पोर्स के जरिए निमाटोड को कैप्चर करता है, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है आर्थ्रोबोटाइटस एंड मोनाक्रोस्पोरियम स्पीशीज फंजाई जो है वो हमारे पास इफेक्टिव है। अदर कुछ फंजाई जो है वो एग्स को पैरासिटाइज करती हैं या रूट नॉट निमाटोड फीमेल्स को पैरासिटाइज करती हैं, जैसे कि पोकोनिया क्लेमाइडोस्पोरिया। एंड देयर इज अनदर एग्जांपल पेसिलोमाइसिस लिलासिमस। सो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बात है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल हम फंजाई को यूज कर रहे हैं, फंजाई जो है वो माइसीलियल ट्रैप के जरिए या स्पोर्स के जरिए या पैरासिटाइजिंग एग्स के जरिए या फीमेल्स के जरिए इफेक्टिव कंट्रोल देती है। इसी तरह अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो पासूरिया पेनिट्रांस और बेसिलस जो है वो यूज किया गया है, एंड दे अटैच टू द क्यूटिकल ऑफ जुवेनाइल नेमेटोड्स प्रोड्यूसिंग पेनिट्रेशन स्ट्रक्चर्स दैट एंटर द नेमेटोड एंड स्लोली कंज्यूम इट, के क्यूटिकल के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करता है और उसको कंज्यूम कर देता है। सो ये हमारे पास माइसीलियल ट्रैप्स हैं, ये स्टिकी स्पोर्स हैं जो हमने इधर पढ़े कि फंजाई जो है वो इसके जरिए इफेक्टिव हो सकता है। निमाटोड एंटागनिस्ट जो है वो हमारे पास ग्रीन हाउस और फील्ड एक्सपेरिमेंट में साबित हो चुके हैं, एंड नंबर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स बेस्ड आर अवेलेबल, लेकिन द इनएबिलिटी टू इकोनॉमिकली जनरेट द लार्ज अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन ओवर लार्ज एरिया इज द ड्रॉबैक, कि हमारी इनएबिलिटी कि हम इतने ज़्यादा तादाद में बायोलॉजिकल मटेरियल प्रोड्यूस कर सकें कि वो एक लंबे एरिए पे इस्तेमाल हो सके, तो ऐसा अभी तक हम इसको इफेक्टिवली नहीं कर सके। IPM इज द बेस्ट निमाटोड को कंट्रोल करने के लिए, हमें IPM ही की तरफ जाना है, क्योंकि ये निमाटोड को हमें एक लो लेवल तक रखने में हेल्प आउट करते हैं। हम निमाटोड को मारना नहीं चाहते, लेकिन हम उसको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम उसको मारेंगे तो वो लाजिम नहीं कि हमारे लिए वो फायदे का ही बायस बने, मे बी हम अपने पैसे का नुकसान करें अगर वो एक ETL से बिलो हो। IPM में हम क्या करते हैं कि डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, क्योंकि पैथोजन एज एग्रेसिव एंड रेजिलियंस रूट नॉट निमाटोड पे IPM को अप्लाई करना मुश्किल है, जैसे कि कम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट टैक्टिक्स जैसे कि कल्चरल प्रैक्टिसेस, रेजिस्टेंट कल्टीवर्स, केमिकल सॉइल ट्रीटमेंट्स, दे इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके और बड़े सोच समझ के फैसले करने पड़ते हैं, देन यू कैन हैव एक्सेप्टेबल कंट्रोल। द एक्सटेंट ऑफ दिस सक्सेस इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ हैविंग एक्यूरेट डैमेज थ्रेशोल्ड डेंसिटीज, कि वो कितनी डेंसिटीज तक डैमेज कर रहे हैं रेडिली एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंट कल्टीवर्स। निमाटोड दुनिया में 14% और वर्ल्ड वाइड नुकसान कर रहा है, जो कि तकरीबन $100 billion एनुअली है। बाय फार रूट नॉट निमाटोड जो है वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है, and the most dramatic symptoms and substantially reduced crop yields. तकरीबन और agricultural regions में पूरी दुनिया में पाया जाता है और temperate climates and can पे रह सकता है और crops को तबाह करता है। Extremely wide host range है, जैसा कि हमने पहले ही इसको पढ़ा, and it is difficult to ascertain the number of hosts or for any root or but it is likely some of the root can survive on hundreds of different plant species. तो कुछ जो है वो बहुत ज्यादा वाइड होस्ट रेंज रखते हैं। दिस कैन मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल अ रूट नॉट निमाटोड प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली इफ द निमाटोड कैन सर्वाइव ऑन वीड्स। अगर निमाटोड की होस्ट रेंज ज्यादा है और वो वीड्स के ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल। सो ये उसकी सिग्निफिकेंस है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नुकसान हो सकता है, तो हमें उसको बचाना है, इसको पढ़ना है, ये इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है ताकि हम उसको अवॉइड कर सकें व्हेन नेसेसरी। इन एडिशन रूट नॉट निमाटोड्स हैव बीन रिपीटेडली बीन शोन टू प्रीडिस्पोज और सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए ये हमारे पास रास्ता खोल रहे हैं, जिससे अगेन नुकसान हो सकता है। सो ये था सबसे इम्पॉर्टेंट रूट नॉट निमाटोड जो कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान करता है, ये उस कैसे रहता है, किस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, ये तमाम बातें हमने की। एंड आई होप यू इफ यू मे एनकाउंटर दिस डिजीज यू कैन मैनेज इट वेल। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।